सुबह के 5 बजे मुझे ये जगह मिली, अ बेड कॉस्ट मी ₹175, 24 आवर साइकिल। माय लास्ट अकोमोडेशन वाज प्रोबेबली बग इन्फेस्टेड, एंड इफ इट्स बग इन्फेस्टेड देन दे बाइट एंड देन दे इच, ऑल द मोर रीजन फॉर अस टू गेट आउट ऑफ हियर। टाइम इज टिकिंग। तो मैं बस स्टैंड पर आ चुका हूँ विशाखापट्टनम के, और यहाँ से मुझे एक बस मिलेगी ओडिशा के लिए, और मुझे जाना है भुवनेश्वर। ये ओडिशा इंक्वायरी वालों ने तो बोला है यहाँ से गवर्नमेंट बस कोई नहीं चलती, सो आई हैव टू कंसीडर डू आई गो टू द रेलवे स्टेशन और डू आई गो टू अनदर डेस्टिनेशन। काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पे रेलवे स्टेशन के अंदर ही एक गेमिंग जोन है फॉर एंटरटेनमेंट व्हाइल यू वेट। हम अपना एंटरटेनमेंट किसी और तरीके से करेंगे, बट द ट्रेन दैट आई एम लुकिंग फॉर लीव्स एट 7:30 और सुबह के 2:30 बजे मुझे भुवनेश्वर पहुँचा देगी। इज दैट द बेस्ट ट्रेन टू टेक? लेट्स सिट एंड थिंक अबाउट इट। 7:46 हो रहे हैं, द नेक्स्ट ट्रेन दैट विल लीव इज एट 9:05 और वो एक ज़्यादा अप्रोप्रिएट टाइम पे मुझे पहुंचाएगी भुवनेश्वर अराउंड 4:35। तो इन द मीनवाइल वी आर पासिंग द टाइम बाय हैविंग सम पराठा, देन आई कैच अप विद यू व्हेन द ट्रेन कम्स। खचा खच भरी हुई है बस। आई एम गोइंग बैक टू द बस स्टैंड। हम भुवनेश्वर नहीं जा रहे हैं, बैक एट द बस स्टैंड, और अब मैं एक बस ढूंढूंगा जयपुर के लिए। जयपुर राजस्थान वाला नहीं, जयपुर ओडिशा। 10:45 की बस है और हमें सुबह पहुंचाएगी अप्रॉक्सीमेटली 5 बजे जयपुर। देवी और सजनों, हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है जयपुर। सुबह के 6:30 हो रहे हैं एंड द विंटर्स हैव कॉट अप विद अस। सुबह 5 बजे बस रुकी थी यहाँ से कुछ 20 किलोमीटर पहले, और धमाकेदार धुंध थी रास्ते में, 16 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। सो वी आर एज वी गो नॉर्थ इट इज़ गेटिंग कोल्डर विच वॉज बाउंड टू हैपन। नाउ द प्रॉब्लम इज कि यहाँ से भी भुवनेश्वर की कोई डायरेक्ट बस नहीं है, जो है वो शाम को 8:30 बजे है। 8:30 बजे तक तो यहाँ पे अपन कुछ कर नहीं सकते, तो दूसरा ऑप्शन है कि हम छत्तीसगढ़ जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ जाने के लिए भी हमें पहले यहाँ से एक छोटा स्टेशन और पकड़ना पड़ेगा कुछ किलोमीटर दूर, और वहाँ से शायद भिलाई या रायपुर के लिए हमें बस या ट्रेन मिल जाएगी। बट अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हो सकता है कि भुवनेश्वर पूरी हो ही ना पाए। जयपुर पर इस वक्त मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो चंद्रा जी ने मुझे बताया कि मैं कैसे भुवनेश्वर पहुँच सकता हूँ। यहाँ से 8:30 बजे एक बस जाएगी गुप्तेश्वर के लिए, वहाँ पे थोड़ा देर घूमेंगे और उस बस से शाम तक हम वापस आ जाएंगे, और शाम को यहाँ से एक डायरेक्ट बस है भुवनेश्वर के लिए जो सुबह पहुँचा देगी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर ही पहुँच जाएंगे और एक और जगह भी हम एक्सप्लोर कर पाएंगे। क्या है वहाँ पे गुप्तेश्वर में, क्या है? शिवलिंग है। शिवलिंग है, हर हर महादेव। लेट्स गो बॉयज़ एंड गर्ल्स, 7:10 हो रहे हैं और हमारी गुप्तेश्वर की बस है 8:30 बजे। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक छोटी सी सैर कराएं, मॉर्निंग वॉक, यू नो, हेल्थ, और इसी बहाने हम थोड़ा जयपुर घूम लेंगे, देख लेंगे यहाँ पे क्या है। गूगल मैप्स कहता है कि यहाँ पे है जयपुर किंग्स पैलेस, सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर। उसी तरफ हमने अपने पैर कदम बढ़ा दिए हैं। लेट्स चेक आउट सम जयपुर मैन। वाओ, ओडिशा, वी मेड इट। The palace is in a rundown condition and ये रास्ता यूज़ होता है बच्चों का स्कूल जाने के लिए, यहाँ से थोड़ा अंदर जाके स्कूल है। क्यूट किड्स।
जर्नी टू गुप्तेश्वर हैज़ बिगन। अप्रॉक्सीमेटली 2.5 घंटे का रास्ता है मगर सिर्फ 50 किलोमीटर है। आई डोंट अंडरस्टैंड इतना टाइम क्यों लगेगा, बट लगेगा तो लगेगा। इस मंदिर में एक फॉर्मेशन जो जमीन से उठती है उसको कहते हैं स्टैलगमाइट। लॉर्ड शिवा का लिंगम माना जाता है, अ सिंबल ऑफ लॉर्ड शिवा, और इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं इसकी पूजा करने। लेजेंड सेज दैट राम भगवान अपनी पत्नी सीता के साथ जब मंडरा रहे थे इधर से उधर तो यहाँ पर आए थे और उन्हें ये लिंगम मिला, प्रसन्न हुए, पूजा की, फिर हिस्ट्री में यह कहीं खो गया। कहते हैं कि जो लिंगम है इसका साइज बढ़ता ही रहता है। हाउ एंड व्हाई वी डोंट नो। आई थिंक दैट इज ऑल देयर इज टू द गुप्तेश्वर टेंपल। दो और गुफाएं हैं यहाँ पे, वो भी चेकआउट कर लेते हैं, अब यहाँ पे आए ही हैं तो। कहते हैं कि यहाँ पर लोग इसलिए आते हैं कि यहाँ बैठ के तपस्या करेंगे तो उनके जितने भी डिजीजेज हैं अगर किसी को तो वो क्योर हो जाती हैं, इस फेथ में आकर वो यहाँ पे पूजा करते हैं। मैं करंटली एक एलिमेंट से झेल रहा हूँ, बेड बग्स जब काटते हैं तो एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है बॉडी में और वो आते जाते आते जाते आते जाते रहते हैं। नाउ इट स्प्रेड ऑल ओवर माय बॉडी, आई हेट इट, एंड दिस इज़ वन रीज़न दैट आई काइंड ऑफ स्टॉप्ड गोइंग टू बजट प्लेसेस एंड आई प्रेफर्ड स्टेइंग इन अ रेलवे स्टेशन, क्योंकि एटलीस्ट वहाँ पे बेड बग्स तो नहीं होंगे। One of the more frustrating things about traveling on a budget, you have to find a place which is clean in that sense. मगर आपको देख के नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे बेड बग्स हैं कि नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में भी मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, ये वाली काफ़ी जगहों पे आई थी, अब तो मैं भूल गया हूँ, मगर अब वापस ये फीलिंग उजागरित हो गई है। बाबा बैठे हैं अंदर और बाबा के चरणों में बैठे हैं कुछ लोग, पूजा कर रहे हैं वहाँ पे, हवन टाइप का कुछ हो रहा है। मे द गुड लॉर्ड ब्लेस ऑल दीज पीपल, आई एम ऑलरेडी ब्लेस्ड। ऑन टू आवर नेक्स्ट गुफा गाइस। वाओ, ओहो, लुक्स क्रेजी। And there are bats. Bats नहीं है, pigeons है, pigeons. मगर अंदर crevices के अंदर bats हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कहीं पे board लगा था bat conservation site. बाकी सब कुछ तेलुगु में था भाई, बाकी सब कुछ नहीं समझ आया। अंधेरा है एंड लकीली आई एम कैरिंग माय फ्लैशलाइट। ये गुफा डीप है और यहाँ पे लाइट्स भी लगी हुई हैं मगर वो लाइट्स चल नहीं रही हैं। एक्चुअली डर की बात नहीं है, डर अंधेरे का नहीं है, डर अंधेरे में क्या हो सकता है उसका है, और मेरा जो सबसे बड़ा डर है वो उन चीज़ों की तरफ है जो हम देख नहीं सकते। लोग आ रहे हैं, गुफा के अंदर तो हम आ गए हैं, हमारे पास कंपनी है और एक और गुफा जा रही है यहाँ से छोटी मगर उस पर ताला लगा हुआ है और ये सिर्फ महाशिवरात्रि के समय खुलती है। दिख नहीं रहा कुछ,
ताला लगा हुआ नहीं तो अपन जा सकते थे अंदर। हाँ। अरे चलो कुछ है ताले का जुगाड़। देखिए ये है श्री राम जी नहाने का तालाब, थे यहाँ तालाब, और वो है लक्ष्मण जी का तालाब, और ये है माता सीता का तालाब है, और ये है श्री राम जी का पैर का निशान। इसमें पैर फिट हो रहा है भाई लोग, गजब। शरद भाई बता रहे हैं कि यहीं से राम लक्ष्मण और सीता माता निकले थे आंध्रा की तरफ भद्राचलम पंचवटी के पास, और वहां से रावण ने सीता को उठा लिया गया, अगवा कर लिया था, और उसके बाद ही इस गुफा में एक हफ्ता रुके थे। इस गुफा में, ये बड़ी वाली में जहाँ पे अभी हम जाके हैं, बहुत बड़ी गुफा है, और अंदर तक जाती है, हम अंदर तक नहीं जा पाए क्योंकि ताला लगाया हुआ है प्रशासन ने, और ताला तोड़ने का सामान नहीं हमारे पास है। और यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी कैविटीज़ हैं जो शरद भाई बता रहे हैं कि हाथियों के पैरों के निशान हैं। बहुत सालों पहले यहाँ पे पानी बहा करता था और हाथी भी चला करते थे। ये यहाँ पे बहुत देर से आ रहे हैं, 50-60 बार आ चुके हैं, इन्हें अच्छे से पता है, तो ये जो कह रहे हैं हम मान लेंगे कि सच है। हाँ सच है। यहाँ पर जो लोगों की बस्ती है वो इंडिजिनस ट्राइब है, और ट्राइब का नाम है सबर। सबर्स आर ओरिजिनली हंटर्स। और यहाँ पे एक कहानी जुड़ती है, इस जगह का नाम गुप्तेश्वर क्यों है। अगर यहाँ भगवान रहते थे तो उन्हें पीने को पानी तो चाहिए ही होता होगा, तो उसके साथ में ही है एक नदी बह रही जहाँ पे फ़िलहाल हम जा रहे हैं। बहुत से 100 साल पहले जयपुर के राजा ने यहाँ पे जो लोकल इंडिजिनस ट्राइब है इन लोगों से कहा कि तुम एक हिरण का शिकार करके मेरे लिए लेके आओ। तो ये जो सबर ट्राइब के लोग थे, ये एक इंसान निकला और एक धनुष और बाण लेके शिकार पे निकला। उसे एक हिरण दिखा और उस हिरण का उसने बहुत पीछा किया। फाइनली वो हिरण गुफा में घुस गया, और जैसे ही ये इंसान धनुष और बाण के साथ अंदर गया गुफा के, उसे वहाँ पे मिला एक शिवलिंग, और फिर हुई आकाशवाणी। आकाशवाणी हुई कि मैं हूँ शिव भगवान, और ये बात तुम किसी से नहीं बता सकते। अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। एक हफ्ते दो हफ्ते तक इस व्यक्ति ने ये बात किसी को नहीं बताई, मगर फाइनली इसे रहा नहीं गया, और उन्होंने अपनी बीवी को ये बात बता दी, और वहीं पे वहीं उनकी मृत्यु हो गई। ये बात जब राजा को पता लगी तो उसे पता लगा कि हाँ, यहाँ पे गुप्तेश्वर बाबा का वास है, तो उन्होंने यहाँ पे आके मंदिर की स्थापना करी, और तब से यहाँ पे एक यात्रा चलती है महाशिवरात्रि के समय और सरावन के समय। सरावन के समय क्या होता है यू आस्क, मुझे नहीं पता, मगर जो भी समय होता होगा बढ़िया समय होता होगा, बहुत भीड़ चाल होती होगी, गुफा खुल जाती होगी अंदर तक, कोई लोकल इंसान साथ में लेके जाता होगा टॉर्च लेके, क्योंकि जहाँ तक मुझे शरद बता रहा था बहुत ही इंट्रिकेट गुफाएं हैं, और बहुत से लोग यहाँ पे मर चुके हैं अंदर क्योंकि वो घूम गए, इसीलिए प्रशासन ने ताला लगा दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते विदाउट सुपरविजन। हैड अ लोकल मील, चावल सब्जी दाल चिप्स फ्राइड पोटैटो एंड कॉलीफ्लावर स्टफ लाइक दैट, गुड मील 60 rupees, एंड नाउ आई एम सिटिंग इन द बस। बस को जाने में भी लगेंगे 20-25 मिनट, और आई एम जस्ट गोना टेक अ नैप, व्हाट एल्स इज देयर टू डू। यहाँ पे सिग्नल नहीं है फोन का। दिस इज सिचुएटेड ऑन द ओडिशा छत्तीसगढ़ बॉर्डर। फन फैक्ट्स, जस्ट फन फैक्ट्स मैन, आई वांट टू टेक अ बाथ सो बैड, बट आई वोंट बी एबल टू बिकॉज यहाँ से वापस जाकर शाम को मैं बस पकड़नी भुवनेश्वर के लिए, और हम कल सुबह भुवनेश्वर पहुँचेंगे। भुवनेश्वर की बस जो मुझे बस स्टैंड से मिलने वाली थी दैट वॉज फॉर 780 rupees, मेरी जेब में एग्जैक्टली 770 rupees थे, और ATM चल नहीं रहा था यहाँ पे। लकीली आई वॉक अराउंड, आई केम टू दिस प्राइवेट बुकिंग काउंटर, यहाँ पर मुझे 700 का एक टिकट मिल गया है, और 7:45 जाएगी वो बस, और सुबह 6 बजे पहुँचेगी भुवनेश्वर, और अभी बज रहे हैं 4:20। इट्स लॉन्ग वेट, और काफ़ी पैसा लग गया, मगर आज हमने कुछ देख भी लिया नया, सो आई थिंक ओके, क्या कर सकते हैं। कैसे तैसे करके 3 घंटे निकल चुके हैं, फाइनली द बस इज हियर, एशियन बस, एसी बस, आई डोंट नीड द एसी, इट्स गोइंग टू बी अ कोल्ड नाइट, बट आई माइट गो टू स्लीप। लेट्स बोर्ड द बस।
मॉर्निंग सर। सिट्रिजिन, सिट्रिजिन टैबलेट कितना चाहिए? दो। सिट्रिजिन टैबलेट दे दो। द बेड बग बाइट्स, द एलर्जी हैज गॉन कम्प्लीटली आउट ऑफ हैंड। और बहुत सारे बाइट्स हैं तो बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है मुझे, सो यहाँ पे बस रुके थे कहीं पे। आई वॉट सिट्रिजिन विच विल हेल्प, एंटी हिस्टामिन्स, एंटी एलर्जी बेसिकली। फाइनली 8 AM मैं पहुँच चुका हूँ भुवनेश्वर। हाईवे पे बस ने मुझे उतार दिया था, और वहाँ से लकीली मुझे 2 किलोमीटर की दूरी पे एक होम स्टे मिल गया है, दिख गया है जहाँ पे डॉर्मेटरी है, और 297-300 रुपीज़ का मुझे एक बेड मिल जाएगा। आई एम करंटली वॉकिंग टूवर्ड्स दैट प्लेस, विल चेक दैट आउट। लुक्स लाइक अ नाइस प्लेस। लॉन्ड्री सर्विस मिल गई है मुझे, और एक कपड़ा धुलाया जाएगा 10 रुपये का। मेरे पास कुछ 10 कपड़े होंगे तो 100 रुपये में काम बन जाएगा। इस्त्री के 15 लेते हैं, हमें इस्त्री की ज़रूरत नहीं, मैंने कब से इस्त्री नहीं कराया अपने कपड़े। थिंग्स आर वर्किंग आउट। एनीवेज, इस एपिसोड के लिए सिर्फ इतना ही है। आई होप यू गाइस एंजॉयड द एपिसोड। मैंने ठीक ठाक इन्जॉय किया, ज़्यादा नहीं किया। बट एनीवे, या स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। गुड बाई।